हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्क फ्रॉम होम के अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ये एक बेस्ट वेबसाइट है, बहुत ही वेल नोन वेबसाइट है, और इसका नाम है इंडियामार्ट.कॉम। इंडियामार्ट के बारे में सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि B2B के लिए काम करती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बायर और सप्लायर का ये मेडिएटर का काम करती है। सपोज दैट आप कोई फैक्ट्री के ऑनर हैं, या फिर आप कोई शॉप चलाते हैं, कुछ भी आपका बिजनेस है, तो अगर कोई सप्लायर वो प्रोडक्ट चाह रहा है तो वो भी अपनी क्वेरी यहाँ पे डालता है, और जो सप्लायर जो प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डालते हैं, और दोनों को मैच करवाता है ये वेबसाइट, और उनको सही प्रोडक्ट सही दाम पे अवेलेबल करवाता है। सपोज दैट मुझे कुछ चाहिए, मान लीजिए मुझे कोई सोफा सेट चाहिए, तो अगर मैं अपनी इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी डालूंगा कि मुझे सोफा सेट की रिक्वायरमेंट है प्राइस वगैरह के साथ, तो इंडिया मार्ट वाले खुद मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे और वो बायर से मुझे बात करवा देंगे जहां पे मेरे बजट में अवेलेबल है ये सोफा सेट, तो मुझे वो इजिली दाम पे मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं B2B वेबसाइट। तो इंडियामार्ट.कॉम पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इंडियामार्ट.कॉम पे बहुत सारी वैकेंसी निकली है, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन जॉब के बारे में। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के जॉब्स होते हैं, तो आपको ऑनलाइन जॉब मैं बताऊंगा यहाँ पे। और ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं कि फेक वेबसाइट है तो फेक वैकेंसी होगी, सब कुछ जेन्युइन है। तो आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप पे जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है corporate.indiamart.com। ये इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको इसकी वैकेंसी निकलती है और आपको यहाँ पे दिखता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जब जाएंगे आपको सब कुछ मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाके अभी दिखा दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे काम क्या करना है। तो ऑफलाइन की जॉब के बारे में तो आप सभी जानते हो, उसके लिए तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, अपना रिज्यूम लेके जैसे भी आप जाते हैं ऑफिस, ऑफिशियल वर्क होता है, आप ऑफिस में काम करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड है तो आप घर से ही लैपटॉप या फिर मोबाइल के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं इंडिया मार्ट के लिए। और यहाँ जो एवरेज सैलरी है ऑनलाइन जॉब्स के लिए वो है 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में, यानी कि 15, 18, 20 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। और ये फुल टाइम जॉब होगा जो ऑनलाइन जॉब होगा, और इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कस्टमर केयर का काम करना है, यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, वही काम आपको करना है, वो भी घर बैठे ही अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो बहुत इजी काम है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है, और उसके बाद आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कुछ वॉइस प्रोसेस है, टेक्निकल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप जस्ट 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और आपको यहाँ पे जो टाइमिंग होगी वो जैसे आपका ऑफिस में होता वैसे ही होगा, 8 आवर्स का, और उसके बाद आपको सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह यहीं से मिल जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, आपको अप्लाई भी करना है और घर बैठे ही आप काम कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक प्रोफाइल है वर्क का वो ये है कि कस्टमर की जब भी इंक्वायरी आएगी तो आपको उसको हैंडल करना है क्लाइंट्स के लिए। जैसे कोई कस्टमर आपको कॉल करेगा डायरेक्टली तो आपके पास कॉल डाइवर्ट होके आएगी, आपको उनका इन्फॉर्मेशन देना है कस्टमर को, और उनकी डिटेल्स लेके सप्लायर तक आपको डिटेल्स पहुंचानी है। तो जो भी कस्टमर केयर का काम होता है वही आपको करना है, लेकिन घर बैठे ही। तो बहुत आसान काम है, ऑनलाइन जॉब है, और इसके लिए जो बिगिनर है, जिसने 12th अभी जिन्होंने पास किया है, तो वो कॉल सेंटर में काम करने जाते हैं, तो उससे बेटर है कि घर पे ही अगर कॉल सेंटर का काम वो कर सके तो सही रहेगा, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, सैलरी भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। तो सब कुछ डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट कैसे काम करती है, यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं इस चैनल पे लाता हूँ। तो अगर कुछ और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे सजेशन में आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं अपने लैपटॉप पे, सब कुछ डिटेल में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो इंडिया मार्ट पे आप कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है अपने ब्राउजर में जाके corporate.indiamart.com, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खोल के आ जाएगी इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ही आपको वैकेंसी वगैरह चेक करना है। तो यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अबाउट अस लिखा हुआ है कंपनी का के बारे में डिटेल, कोर वैल्यूज, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो
आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि अबाउट अस, इन्वेस्टर सेक्शन, जॉइन सेल्स, सक्सेस स्टोरीज, एडवर्टाइज भी था, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें जो काम करना है वो सबसे ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आना है आपको, और मेन्यू पे टाइप जो 3 लाइन है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये रेड कलर का ये ऑप्शन आ गया बॉक्स में, और ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर्स, देख रहे हैं, तो कैरियर्स के नीचे लिखा है कैरियर एट IIM, और नीचे लिखा है करेंट ओपनिंग्स, और उसके नीचे सबमिट योर डिटेल्स। तो आपको करेंट ओपनिंग्स पे क्लिक कर देना है। इस पे ये जो अपडेट होता रहता है वैकेंसीज, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी के लिए। तो इंडिया मार्ट पे देखिए अभी करेंट ओपनिंग्स जो है वो 22 ओपनिंग है, यानी कि 22 वैकेंसीज यहाँ पे है, और ये इसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप चेक कर सकते हैं, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। यहाँ पे देखिए रीजनल मैनेजर के लिए है, सेल्स B2B के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 to 7 ईयर्स दिया है, हैदराबाद की ओपनिंग है, और बाकी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर पे तो इसकी वैकेंसी आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ डिटेल आ जाएगा। ये हैदराबाद के लिए है और बेंगलुरु के लिए। आगे देखिए सेल्स एसोसिएट फ्रीलांसर प्रोग्राम, तो इसमें आप, ये फ्रीलांसर का है तो ये ऑनलाइन जॉब है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और मैं दिखाता हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर क्लाइंट सर्विसिंग, ये भी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव हायर सीनियर डेवलपमेंट ऑपरेशंस मैनेजर के लिए है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव क्लाइंट सर्विसिंग के लिए। तो आगे जब नीचे आप करते जाएंगे, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, तो इसमें कस्टमर केयर सर्विस का भी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए नॉन सेल्स एसोसिएट के लिए है, मतलब वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे रीड मोर पे। यहाँ देखिए आ गया ये इंडिया मार्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नॉन सेल्स एसोसिएट, यानी कि यहाँ पे आपको कोई सेल्स नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को सेल्स बहुत टफ लगता है कि उसमें टारगेट होता है, सेल्स नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स में नहीं जाना चाहते उनके लिए इजी है। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 6 ईयर्स का यहाँ पे ये लोग लिखा है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सैलरी कम होगी फ्रेशर्स के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, बी ए पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म। प्रोग्राम हाईलाइट में देखिए फ्रीलांसर का वर्क आपको करना है, वर्क फ्रॉम लोकेशन ऑफ योर चॉइस, जहाँ भी आप रहते हैं उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। वर्क ऑन योर ओन शेड्यूल, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, और जो पेमेंट होगी वो वीकली होगी, यानी हर हफ्ते आपको पेमेंट मिल जाएगा। इंसेंटिव्स भी हैं और वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस है, तो सब कुछ यहाँ पे वॉइस बेस ही है, यानी कि आपको कस्टमर केयर का ही काम करना है। यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या है, यहाँ पे दो ही सिलेक्शन प्रोसेस है, एक है ऑनलाइन इंडिया मार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट, और ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश का ग्रामर का टेस्ट होता है, क्योंकि आप कॉल सेंटर में जैसे जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, तो एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ID प्रूफ, पैन कार्ड, और बैंक डिटेल्स, क्योंकि जो सैलरी आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आपको देना होगा। नीचे आते हैं तो अप्लाई नाउ टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सैलरी जो स्कीम है इनकी देखिए पर एनम यहाँ पे 1.75 से लेकर 3 लाख पर एनम की यहाँ पे ये पैकेज दे रहे हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पे 25,000 तक सैलरी मिल सकती है, और मिनिमम आपको 15,000 तक मिल सकता है, तो 15 से 25 के बीच में रहता है। और इसके नीचे देखिए डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने देखा है जो प्रोफाइल आपको चाहिए वही चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है अप्लाई, जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ देखिए क्या क्या डिटेल्स आपको डालना है, तो यहाँ नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, करेंट लोकेशन जहाँ आप रहते हैं, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपको एक CV अटैच करना है, जो आपका बढ़िया सा CV होगा उसको स्कैन करके अपने सिस्टम से यहाँ पे अटैच कर देना है और सबमिट कर देना है।
इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप यहाँ से आई डोंट हैव रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सीवी का भी ऑप्शन आएगा, वो भी आप बना सकते हैं। सबमिट कर देंगे फिर आपको कॉल आएगा और मेल आएगा और आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे ऐसे ही और भी वैकेंसीज निकलते रहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।